तो गाइस रात बहुत ही लेट हो गए थे हम, और लेट होने की वजह से आप लोगों को दिखा नहीं पाए हमने रूम कहाँ लिया है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि रूम हमने कहाँ लिया है। देखो नजारा तो देखो, ये देखो तो सही, बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां, देख सकते हो क्या नजारा है। बर्फ तो ऐसे पड़ रखी है, मजा ही आ गया। वो सामने देखो, वाह, यहाँ से व्यू देखो, और हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। देखो कमाल की जगह है ना। अब मुझे लग रही है ठंड, नंगे पैर खड़ा हूँ मैं, थोड़ा सा व्यू दिखा के और अब हम अंदर चलते हैं जल्दी से, नहीं तो ठंड से जम जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से गूगल मैप होगा, रुक जाओ मैं लगाता हूँ। देख सकते हो बर्फ ही बर्फ है। सोलन ये लो, बताते रहना, सीधे ही सीधे चलना, जब मोड़ आए तो बता देना। नाश्ता कर लें क्या पहले? देखो पहन लिया, और अब हम जा रहे हैं सोलन वैली, दिखाते हैं वहां के नजारे। अभी भी देख तो देख सकते हो, हम लोग आ गए हैं मनाली, और वेदर यहाँ का इतना मस्त लग रहा है ना कि क्या बताऊँ। पीछे देखो, हमारे पीछे बर्फ ही बर्फ है, और आप लोगों को दिखाएं तो हमारे पीछे का नज़ारा तो दिखा सकता हूँ मैं। ये देखो पीछे का व्यू, देखो कितना मस्त लग रहा है। रिवर रिवर देख सकते हो, और बैक कैमरे से दिखाता हूँ। पहुँच तो हम रात को गए थे, लेकिन रात में ऐसा कुछ नहीं दिखा था। जो वेदर अब दिख रहा है तो मज़ा आ गया यहाँ पे।
तो अब हम जा रहे हैं सोलन वैली, और वहाँ पे जो है देखते हैं क्या है। बता रहे हैं सब लोग के बहुत खूबसूरत है। तो हमें चंडीगढ़ में एक बंदा मिला था जो यहाँ सोलन वैली घूम के गया था, तो वहाँ जाके देखेंगे कि क्या नज़ारे हैं, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। बिल्कुल देखते रहना, हमारे साथ बने रहना। अभी हम जा रहे हैं सोलन वैली, देख सकते हो पीछे हमारे लिए यहाँ पर बर्फ पड़ी ना जहाँ से चले जाएं ये तो है। चलो देखते हैं कहाँ तक जाने देते हैं। वैसे वो तो जाती है ना, वो जो बाइक चलती है दूसरी वाली। आप ऐसा करना, नहरकुंड तक आप इस पे अपना बाइक ले लो, वहाँ से अगर आपको एटीवी मिल जाती है वो बेस्ट है। हाँ, वो यहाँ तो बैठे हैं एटीवी वाले होते हैं, वो सोलन वैली तक ही ले जाएंगे। हाँ 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 हाँ, सोलन वैली पलचान तक तो ले ही जाएंगे आपको, जहाँ पे फुल स्नो मिलेगी। रेट मांगते हो थोड़ा ज्यादा, बार्गेनिंग कर सकते हैं आप। कितना मांगते हैं? तो 3,000 आ रही है। अच्छा, उस हिसाब से आपने देख लेना। बार्गेनिंग आपके हाथ में होगी। बार्गेनिंग आपके हाथ में, कितने तक आप लेते होंगे? चलो देखेंगे, ट्राई करेंगे। इसका कितना हो गया भैया? से पूछा, ये सोलन वैली तो जाने दे नहीं रहे हैं, तो पता नहीं। अब देखते हैं, अब जहाँ तक भी सब जाएंगे वहाँ तक तो जाएंगे ही, फिर उससे आगे देखते हैं क्या होता है। अगर सोलन वैली जाने दें तब तो बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है कल या परसों। आज फ्राइडे है ना, कल आज फ्राइडे है, कल जो है हो सकता है सैटरडे है, परसों संडे को बर्फ़ पड़ सकती है। आप नज़ारे देख सकते हैं, क्या मज़े के नज़ारे हैं। वाह 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 वाह, आराम से जाएंगे कुछ कवर करते हुए। मैप खोल लो, देख सकते हो ले है 474 किलोमीटर, और अभी हम कोई अच्छी सी जगह देख कर रास्ता वास्ता करना है। चारों तरफ स्नो ही स्नो है। हम बाइक से ही यहाँ आ गए। मैच के लिए मुझे कुछ बढ़िया सा अच्छा सा छोटा बड़ा कुछ भी मिल जाए, देखते हैं। खाने का देखते हैं कोई सही सी जगह में। यहाँ देखें ब्रेकफास्ट, चलो फिर आगे देखते हैं। स्नो ड्रेस नहीं, नहीं स्नो ड्रेस क्या करेंगे, ड्रेस ले ली है स्नो ड्रेस। KTM का सर्विस सेंटर है, लोग स्नो ड्रेस भी ले रहे हैं। पता नहीं क्या क्या होगा यार, यहाँ देख सकते हो कितनी स्नो है।
देखते हैं पीछे, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है। देखो हवा नहीं लगी, ठंड नहीं है। क्या बना रखा है अंकल जी? सर क्या क्या बना रखा है? आमलेट, मैगी, पराठा, चाय, परोठा भी है। एक लगाओ परोठा, बाकी एक ब्रेड ऑमलेट लगा देना, एक मैगी लगा देना। नाश्ता कर लिया है हमने, नाश्ता कर लिया है हमने, अब निकल पड़े हैं सोलन वैली की तरफ। देख सकते हो व्यू भाई साहब, क्या मजे है यार, देखो तो नज़ारे। ओके ओके ओके, क्या बात है, मजे आ रहे हैं। जिंदगी के मजे तो ये हैं, देख लो भाई, घूमने आओ हर जगह, हर जगह जरूरी है घूमना। नहीं तो ये यहाँ पर ड्रेसें हैं, यहाँ ड्रेस लगी हुई हैं, विंटर वाली, स्नो वाली। सब टूरिस्ट लोगों को मतलब यही देखना है, ड्रेसें वगैरह। ये देखो सब जा रहे हैं अपनी अपनी ड्रेसें लेके, देख सकते हो। ओके देख सकते हो पहाड़ियाँ कितनी बढ़िया बढ़िया मस्त है एकदम, देख सकते हो लोग मजे ले रहे हैं। रोहतांग, रोहतांग पास है 48 मरी 31 किलोमीटर, अटल टनल, अटल टनल भी बहुत जल्दी आ गई है, देख सकते हैं, बढ़िया है यार। कितना बढ़िया है नज़ारे, यहाँ ये स्नो ड्रेसें बेच रहे हैं लोग, मतलब काम ही यही है इनका लोगों का। और हम थोड़ा लेट हो गए हैं और टाइम हो गया है, पूरे 12 बज चुके हैं, और अब हम सीधे चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं कर रहे, नहीं तो खाली और लेट हो जाएगा, फिर ठीक से घूम भी नहीं पाएंगे। एक दिन हमारा बस सीधे सोलन वैली की तरफ ही होगा। तो मुझे तो यही लगता है कि सीधे सीधे यही रास्ता जा रहा है, कोई और कोई रास्ता है ही नहीं, एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है। पूरी मतलब पहाड़ों पे सब जगह मतलब बर्फ ही बर्फ है पूरे। अभी बता रहे हैं कि सैटरडे और संडे को थोड़ी और बर्फ़ पड़ेगी, और 2 या 3 दिन तक लगातार बर्फ पड़ेगी दोबारा से, और फिर यहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं रहेगा, अब की बार इतनी स्नो है। ट्रैवलर ट्रैवलर ट्रैवलर, इतने सारे ट्रैवलर हैं यहाँ पे, देख सकते हो 215 नंबर शॉप यहाँ पे। और ये स्नो हटाने वाली मशीन जा रही है, देख सकते हो शॉप के नंबर हैं, हर शॉप पे एक नंबर लिखा हुआ है ताकि जिससे पता रहे कि कैसा है क्या है, देखते रहें कहाँ से हमने ड्रेस ली है। और ये सब भुका रहे हैं कि स्नो ड्रेस ले लो, स्नो ड्रेस ले लो, क्या किया जाए। और ये हम
नौ पे हमने बाइक चढ़ा दी। देख सकते हैं बड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। क्या होगा यहाँ, यहाँ रुका रहे हैं कैसे, इतना जाम क्यों है भाई। अच्छा मास्क लगा लेना। पता नहीं आगे बंद है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे हो सकता है कि रुका रहे हो, जाने ना दें, कुछ भी हो सकता है। इतना जाम, गूगल मैप दिखा रहा था कि बहुत जाम है। खड़ी तो है पुलिस।